रात के खाने में गोभी पराठा और यहाँ पे आलू सोयाबीन की सब्जी मैंने बनाई थी, तो मैं वही खा रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ही बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और मैंने सोचा कि चलो एक ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ आने के बाद मैंने कोई भी ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया है, कोई भी ब्लॉग नहीं डाला है पटना आने के बाद, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। कल रात को यहाँ पर बारिश हुई है तो इसकी वजह से ठंडी ज़बरदस्त हो चुकी है। पता नहीं क्यों बट मेरा फेस वाइट ज़्यादा लग रहा है या ग्लो है फेस का, मुझे नहीं पता, आप बताइएगा। बट अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने बेटे को स्वेटर डाल दिया है, अंदर इनर वगैरह डाल दिया है, क्योंकि ठंडी में लापरवाही में नहीं कर सकती, बच्चा है, सर्दी वगैरह हो जाती है जल्दी उसे, तो इसलिए। और मौसम मतलब धुंध काफ़ी ज़्यादा है और लग रहा है फिर बारिश होगी, मतलब अच्छा है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी ठंडी है तो मैंने क्यों नहीं कुछ गर्म कपड़े पहने हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे थोड़ी कम ठंडी लगती है, मतलब मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है, तो अभी मेरे लिए उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं आई है, तो इसलिए मैं ऐसे हाफ पे ही हूँ। अभी तो कल मैंने स्लीवलेस पहना था बट आज मैंने चलो ऐसे वाला पहन लिया है टी शर्ट। तो अभी सुबह का चाय पानी हो गया है, पूजा पाठ सब चीज़ हो चुका है, इसका भी पढ़ाई हो चुका है, और अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया और मैं जा रही हूँ सुबह का अभी नाश्ता बनाने के लिए। तो आज नाश्ते में क्या बना रही हूँ चलिए आपको दिखाती हूँ, और फटाफट से क्योंकि रेसिपी मैं आपको शेयर करके दिखाऊंगी और फिर आपसे बनाती हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडी का मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है, आप लोगों को पसंद है कि नहीं बताइएगा ज़रूर। तो चलिए चलते हैं किचन में। पनीर पराठा सारी तैयारी, धनिया पत्ता यहाँ है, फटाफट से बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या डाला। इसमें प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ता मैंने डाला है, बस नमक आपके हिसाब से, आप ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा डालिए, कम खाते हैं कम डालिए। मैंने डो में जो है वो नमक नहीं डाला है तो मैं थोड़ा ज़्यादा इसमें डाल रही हूँ, और यहाँ पे मैं डालूँगी अजवाइन और मंगरेल, और इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। हमारे स्टफिंग तैयार है, फटाफट से नाश्ता बनाते हैं। बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और बस इसमें कुछ मसाला नहीं डाला है मैंने, बस हरा मिर्चा स्पाइसी के लिए और थोड़ा सा नमक डाला है टेस्ट के लिए। फटाफट से मैं स्टफिंग को भर लेती हूँ, उसके बाद पराठा बनाते हैं। लंच में मैं यहाँ पे गुआवा खा रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगी बाहर। इतना सारा कुछ खरीदे हम लोगों ने, यहाँ कैसे बहुत सारा बुक ले लिया है मैंने, आज जब के खरीदारी की मैंने कोविड आ जाएगा। चीज़ें लेके आई हूँ, मतलब ये सारे बुक्स लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन सा बुक लेके आई हूँ, और स्पेशली मुझे कौन सा बुक की ज़्यादा मतलब ये था कि मुझे लेना ही लेना है। पिछली बार मैं गई थी तो लास्ट डे था और उस वक्त मेरे पास अनफॉर्चुनेटली पैसे भी नहीं थे तो मैं नहीं ले पाई थी वो बुक, बट आज मैं इसलिए गई थी, अभी तो मेला लगा हुआ है, अभी तो शायद 10 या 12 दिसंबर तक रहेगा मेला, तो मैं लगा और मैं चली गई कि नहीं भाई मुझे बुक्स लेना है। तो आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ और मुझे किस बुक की ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट थी कि मुझे लेना है, तो देखते हैं। हाँ जी, तो मैं लेके आई हूँ ये स्टोरी बुक प्रेमचंद्र की, मुझे स्टोरी बुक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं फ्री टाइम में मैं बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, ये मेरा एक समझ सकते हैं कि हॉबी
हॉबी, एक तरह से आप ये हॉबी समझ सकते हैं मेरी जो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो मैंने एक ही बुक्स अभी लिया है, तो देखती हूँ फिर अगर टाइम मिलेगा तो जाऊँगी तो ले आऊँगी। और यहाँ पे मैं बेटा के लिए कुछ बुक्स लाई हूँ जिसमें ये कलर्स के लिए है। बच्चों, मेरे बेटे को कलर्स मतलब ड्राइंग करना पसंद है, तो मतलब पसंद क्या, उसको भारना पसंद है बोल सकते हैं, तो वो लाई हूँ। और ये अभी मेरे बेटे को हिंदी पढ़ने आ गया है, वो पॉइंट्स वगैरह पढ़ लेता है मात्रे के साथ, तो मैं ये बुक लाई हूँ उसके लिए। और एक ये बुक है थोड़ा राइटिंग में सुधार के लिए, मैं इस टाइप का लाई हूँ। वैसे उसे ABCD आता है, बड़ा छोटा दोनों अच्छे से पढ़ने लिखने भी, बट थोड़ा सा राइटिंग के लिए मैं लेके आई हूँ कि अभी से सीखेगा तो ठीक रहेगा उसके लिए। और ये एक रैम्स का बुक लेके आई हूँ मैं, ये ठीक है, पढ़ेगा अपना सीखेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बेचैन थी कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, वो है मेरी फेवरेट भागवत गीता। ये अभी पैक है, पूरा सील पैक है, देख सकते हैं आप, अच्छे से पैक है। और मुझे बहुत दिनों से मतलब मेरी ये तमन्ना थी कि मैं ये बुक लूँ, मैं इसे पढ़ूँ और अपने इस बेटे को भी पढ़ के सुनाऊँ इस बुक के बारे में जो लिखा है, तो फाइनली मैंने ले लिया। ये बुक मुझे बहुत दिनों से चाहिए थी, मुझे ये बुक मैं पता नहीं क्यों, बट सडनली पिछले 1-1.5 महीने से मैं बोल सकती हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए ये बुक, पढ़ना चाहिए ये बुक। तो मैंने बोला कि नहीं, एक बार पढ़ती हूँ, देखती हूँ क्या है कैसे है। वैसे भी हम लोग अपने संस्कृति के बारे में भूलते जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा इससे जुड़ाव रखना चाहिए लोगों को, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ ये। और ये मैं पढ़ूँगी और साथ साथ अपने बच्चे को भी सुनाऊँगी, ताकि उसे भी पता हो कि हमारे भागवत गीता में कितने श्लोक हैं, क्या है कहानी। तो बस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे पढ़ने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप मेरे फेस की खुशी से बयां कर सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुशी हूँ। तो बस ये सारी शॉपिंग की मैंने, और डिनर बनाना नहीं है क्योंकि गेस्ट हाउस में बुकिंग चल रहा है, तो वहाँ पार्टी है, तो पार्टी है तो डिनर ऑलरेडी मतलब लंच बना हुआ था, तो वही मैं लेके आई हूँ, मैं वही खाने वाली हूँ अभी रात में। तो बस रखती हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने खरीद के लाई, तो रखती हूँ, फिर नेक्स्ट मैं कल आपसे मिलती हूँ। और नेक्स्ट डे ये लंच की मैं प्रिपरेशन कर रही थी, फ्रिज में पनीर पड़ा हुआ था, तो मैंने फटाफट से सोचा कि चलो क्यों ना पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं, थोड़ा चटपटा सा। तो मैं बस वही यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बना रही थी। और कभी भी आप पनीर की सब्ज़ी में ना ग्रेवी में थोड़ा सा दूध डाल दीजिएगा, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, मतलब अलग ही एक टेस्ट आ जाता है दूध डाल देने से। तो मेरा लंच यहाँ पे प्रिपेयर था, मैंने यहाँ पे लंच बनाया था सिंपल सा पुलाव, पनीर, दाल, आलू की सोयाबीन की सब्ज़ी और ऑब्वियसली रोटी तो रहेगी ही रहेगी, तो हम लोगों ने उसे इन्जॉय किया। और उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ ब्रेकफास्ट के टाइम। मैंने यहाँ पे कद्दू की मीठी सब्ज़ी बनाई थी और यहाँ पे अनियन पराठा बनाया था। अनियन पराठा बहुत तरीके से बनता है, आप अनियन स्टफ करके पराठा बना सकते हैं, अनियन स्टफ करके कचौड़ी बना सकते हैं, बट मैं ये पराठा क्या करती हूँ कि हरा मिर्च और अनियन को ऊपर से चॉप करके आटे में मिक्स करके अजवाइन वगैरह डाल के और नमक हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स करके उसके बाद पराठे की तरह से। आपको पता ही है कहाँ जाना है, ऑफकोर्स ऑफिस, तो चले चलते हैं। बहुत ज़्यादा धूप निकली थी और मेरा आँख वगैरह जल रहा था, मेरे लिए बहुत अच्छा था, चले चलते। एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं शाम को आई हूँ मेला देखने के लिए गांधी मैदान में। कल मैं आई थी पुस्तक मेला में, तो यहाँ नहीं आ पाई थी, टाइम नहीं हो पाया, काफ़ी लेट हो गया था। तो अभी मैं ऑफिस से फ्री होके एनिमल मूवी देखने गई थी। क्या जबरदस्त मूवी है यार, बाप बेटे के ऊपर फिल्माया गया है, बहुत अच्छी मूवी है। और अभी मैं आई हूँ गांधी मैदान, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा मेला एक्सप्लोर कर लिया जाए, काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया है बाहर से, मैं आपको भी दिखाती हूँ और देखते हैं क्या क्या लगा है मेला में। वैसे गाने स्टार्ट है तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैं बंद करती हूँ। इधर स्वेटर का मेला लगा है और ये है मेन मेला, चलिए चलते हैं इसके अंदर।
इतना खूबसूरत खूबसूरत मंगलसूत्र लिए हैं मैंने भी ले लिए हैं दो, ये एक इसने का लिया है मैंने, बहुत अच्छा लाइटिंग हुआ है देख रहे हैं दूल्हा का। और मैं चली अब एक पान बनवाने मीठा, लाइट इतना अच्छा हो रहा है ना, मैं चली पान बनवाने, यहाँ पे पान बन रहा है एक मीठा पान तो खाना बनता है, यहाँ वैसे फायर पान भी मिल रहा है। मेला लगा हुआ है, मैंने घूम लिया, मंगलसूत्र सिर्फ लिया है, मात्र 100 रुपए में बेहतरीन कपड़े। चलिए चलते हैं अब बाहर, गर्मी भी लगने लगी मुझे, धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ने ही लगी। वैसे तो रात हो चुका है, शायद वॉकिंग डे है इसलिए ज्यादा भीड़ नहीं है। चलिए चलते हैं यहाँ से बाहर, सब एकदम आराम से घूम रहे हैं। चलिए चलते हैं भाई, अभी खाऊंगे मैं फुचका बाहर आके।